गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेयर इज क्लास 9th फॉर मैथ सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग माई ए वी, लेट अस टेक प्लेज. आई कमिट टू बी विलियंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रोमिस टू फॉलो and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start exercise number 1.2. सो बच्चे, हेयर वी विल डू द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन. सपोज वी हैव वन क्वेश्चन, 1/3 √2. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन इज यूज टू रिमूव द सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में अगर कोई सर्ड है, मीन्स सर्ड मीन्स व्हेन द फ्रैक्शन, व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ एनी होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, इट विल बी इन अ फ्रैक्शन, देन वी विल से इट इज अ सर्ड. ठीक है, तो हियर 2 की पावर बच्चे स्केयर रूट का मीनिंग है 1/2, तो ये फ्रैक्शन में होगी, तो हमने यहाँ से स्केयर रूट रिमूव करना है. सो वी विल यूज द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट फाइंड करना है. 3 + √2 है बच्चे, ठीक है, इनका साइन चेंज कर देना. कंजुगेट ऑफ 3 + √2 का कंजुगेट होगा 3 − √2. तो 3 − √2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना और इसी के साथ ही डिवाइड कर देना. ठीक है, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल नंबर. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये सेम नंबर वी विल गेट. ठीक है, सेकेंड स्टेप इज न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 − √2 के साथ. ठीक है, 3 + √2 को करेंगे 3 − √2 के साथ बच्चे. तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट सेम आंसर. और नीचे बच्चे 1 फैक्टर इज इन पॉजिटिव एंड 1 इज इन नेगेटिव. तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, a + b (a − b) दैट इज इक्वल टू a² − b². तो a बच्चे 3 है, 3 का स्केयर, b है स्केयर रूट टू होल स्केयर. तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया. नाउ 3 − √2 एज इट इज, 3 का स्केयर बच्चे 9 एंड दिस स्केयर रूट इज कैंसल, सो 2 इज लेफ्ट. 3 − √2 / 9 − 2 = 7. ठीक है जी, नाउ वी विल डू एनी अदर क्वेश्चन, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. 3 + √2 / 3 − √2 = a + b² √2. ठीक है, वी विल टेक हेयर लेफ्ट हैंड साइड. तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दैट इज 3 + √2 / 3 − √2. ठीक है, वी विल टेक द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 3 + √2. ठीक है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. वी विल सी केयरफुली, दिस टर्म अकर्स 2 times, ये दोनों टर्म सेम है, देन वी कैन राइट 3 + √2 होल स्केयर. नीचे बच्चे सेम 3 + √2. ठीक है, हेयर वी विल अप्लाई a + b² = a² + b² + 2ab. ठीक है, नीचे आपको पता ही है दिस वन फॉर्मूला. ओके, तो a इज 3 √2 होल स्केयर + 2 × 3 √2. नीचे बच्चे a है 3 b है √2. ठीक है जी, इसके साथ ये कैंसिल. 3² = 9
टू इज लेफ्ट, थ्री टू जा सिक्स, स्केयर रूट टू, देन नाइन माइनस टू। तो बच्चे हमने यहाँ पे नंबर्स को ही ऐड करना है, स्केयर रूट को नहीं करना। नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन प्लस सिक्स अपॉन टू सेवन। देन बच्चे डिनोमिनेटर को दोनों के साथ ही लिख दो, इलेवन अपॉन सेवन प्लस सिक्स रूट टू अपॉन सेवन। नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी स्केयर रूट टू। कंपेरिजन कर लो, देन ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, जो फर्स्ट नंबर है वो ए है, दिस वन स्केयर रूट को छोड़ दो बच्चे, देन लेफ्ट नंबर विल बी बी। सो ए इज इक्वल टू इलेवन अपॉन सेवन, बी इज इक्वल टू सिक्स अपॉन सेवन विल बी द आंसर। सो बच्चे सारे सम्स ऐसे ही होने हैं, ठीक है। ऑल द सम्स वी विल डू। और क्वेश्चन नंबर थ्री में बच्चे पार्ट नंबर टू है, इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्केयर रूट थ्री, टू स्केयर रूट थ्री के साथ आंसर नहीं आता, हेयर यू विल राइट टू स्केयर रूट टू, ठीक है, चेंज इट। इसमें बच्चे इसका कंजुगेट लेके सेम वैसे ही मेथड, इसमें बच्चे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो वन था, सेम आ गया जब आपका कोई फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अगर फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बनता तो आपने जैसे मल्टीप्लाई करते हो फैक्टर्स को, वैसे सेम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। सो इट विल बी द मोर इजियर। क्वेश्चन नंबर फाइव है सिंप्लीफाई। इनका बच्चे आप सेपरेट सेपरेट भी फाइंड कर सकते हो, जैसे इस टर्म का अलग लगा लो रैशनलाइजेशन, इसका अलग, इसका अलग, देन तीनों को ही ऐड कर दो, जा आप इकट्ठा भी कर सकते हो, दैट इज़ योर ओन विश। सो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर वन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।